प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र के रूप में चुना था, तब वाराणसी ऐसा नहीं था। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार काशी की गलियां गंदगी से पटी थी। सड़क पर बिजली के तार लटके हुए थे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले लोग गलियों से गुजरकर उनके दर पर पहुंचते थे। लेकिन ये बीते दिनों की बातें हैं। अब काशी शानदार सड़कों से जुड़ चुका है, रेलवे की बेहतर सुविधा हो गई है, एयरपोर्ट से शुरू हुई हवाई यात्राओं ने शहरों की दूरियां कम कर दी हैं, कालीन उद्योग को पंख लग गए हैं, शहर को 24 घंटे बिजली मिल रही है और सड़क पर बिजली की तार भी नहीं लटक रही। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है जिससे माँ गंगा में गंदा पानी ना जाए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यहाँ की नई विरासत को जहाँ आगे बढ़ा रहा है, वहीं श्री विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब वाराणसी दुनिया के मानचित्र पर आधुनिक शहर है, सुंदर शहर है, साफ शहर है और विकसित शहर है। काशी में बिजली के तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने का काम जारी है। लाखों लीटर सीवेज का ट्रीटमेंट भी हो रहा है। इस विकास का लाभ यहां आस्था और पर्यटन के साथ साथ यहां की कला संस्कृतियों को भी मिल रहा है। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो या बुनकरों कारीगरों के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम, आज काशी के कौशल को नई ताकत मिल रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण बनारस एक बड़े मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। प्रदेश में सबसे अधिक पर्यटक वाराणसी आता है। वो लोक संस्कृति, लोक कला, घाटों का सुंदरीकरण और बनारस की सुबह देखने के लिए आता है। लोगों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनने के बाद वाराणसी दिव्य, नव्य और अद्भुत बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News, लखनऊ।